अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है, यानी ये हमारे बिजनेस की जुबान है। ये बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती है। अकाउंटिंग बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन को हम तक जहां पर पहुंचाती है, जिन स्टेटमेंट्स पे हम तक पहुंचाती है, उन स्टेटमेंट्स को हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब बिजनेस की इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन जिन स्टेटमेंट्स पे हम तक पहुंचाई जाती है, उन स्टेटमेंट्स को हम कुछ असूलों के तहत बनाते हैं, और इन स्टेटमेंट्स को जिन असूलों के तहत बनाया जाता है, उन असूलों को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहला हिस्सा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में होती है वो होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में वो पॉलिसीज या रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने बिजनेस की तमाम स्टेटमेंट, जो हमने ऊपर देखा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, इन स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए हम इन पॉलिसीज और रूल्स को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो प्रैक्टिसेस या गाइडलाइंस हैं जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है, मतलब उसे पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। अब किस काम के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं? अपने अकाउंट्स को, अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, और दूसरी चीज अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए। जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस को करना, प्रिपरेशन करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होता है। इसी तरह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना जरूरी है, और अगर प्रेजेंटेशन को फॉलो कर लिया जाए तो हम लोगों को, दूसरों को अपना काम दिखाना आसान हो जाता है। इसी तरह हमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस हेल्प करती हैं कि हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को इस तरह से बनाएं कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखने वाले उसे समझ सकें। अब हम जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस पर अप्लाई होते हैं, कौन सी बिजनेस अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाती हैं। बिजनेस हमारे तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक पर्सन होता है, एक बंदा इसमें काम कर रहा होता है। इसके बाद है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, और इसमें सब काम जो है ज्यादा फॉर्मुलाइज नहीं होते, ज्यादा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते। इसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के अलावा कंपनी होती है। कंपनी अपने बिजनेस को वसी पैमाने पर चलाती है और अकाउंटिंग के तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। एसटीडी हमने स्टैंडर्ड के लिए लिखा। अब लॉ की रिक्वायरमेंट ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अगर इन तमाम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो वो अपने अकाउंट्स को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वो अपने इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। अब आ जाएं कंपनी पे। कंपनी के लिए ये रिक्वायर्ड है और ये कंपल्सरी है, कंपनी इन तमाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को वो उस सूरत में फॉलो करेगी जब वो उसकी जरूरत समझेगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना जरूरी है और अकाउंटिंग कन्वेंशन को अपनी मर्जी के मुताबिक फॉलो किया जा सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, हमने जाना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हम ये देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसके अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी होती हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 9 होते हैं, जो कि ये हैं। हम इनकी डिटेल्स अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, अभी हम इसकी एक ब्रीफ डिस्कशन, एक मुख्तसर सी डिस्कशन हम इसकी देखते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस को हमेशा उसके ऑनर से एक अलग वजूद, उसकी एक अलग शनाख्त समझी जाएगी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो वो इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया जाएगा कि वो लंबे अरसे तक चलता रहेगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है हम बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं और हम बिजनेस की उस तमाम इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में रखेंगे जो इंफॉर्मेशन मनी से रिलेट करती है, जिस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक मनी से है, हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। इसके बाद आ जाएं ड्यूअल एस्पेक्ट पे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है जब भी बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन हम लेन देन का कोई मामला होता है, खरीदो फरोख्त होती है, उस ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है बिजनेस की तमाम लाइफ को डिवाइड कर लिया जाता है हर एक साल पर, मतलब हर एक साल का बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस एक साल को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिस साल में, जिस साल की कमाई लिखी जाती है, चीजें बेची कंपनी ने, उसके पास बेचने से जो पैसा आया वो लिखा उसने, उस साल में उसी चीजों से रिलेटेड अखराजात लिखे जाएंगे।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी बिजनेस की कोई चीज खरीदी जाएगी जैसे मशीनरी फर्नीचर उसको हमेशा उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा चाहे मार्केट वैल्यू बाद में चेंज हो जाए। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है किसी भी सेल या परचेज को हमने किस वक्त रिकॉर्ड करना है। सब्सटेंस अवर फॉर्म कॉन्सेप्ट के मुताबिक सब्सटेंस का मतलब है किसी चीज का मौजूद होना, वजूद या सॉलिड को हम सब्सटेंस कहते हैं। फॉर्म से मुराद हमारी लीगल फॉर्म है। हम किसी भी चीज को जब खरीदेंगे जैसे फर्नीचर मशीनरी हमने खरीदी बिजनेस की उसका अगर हमारे पास है अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हम तब रिकॉर्ड करेंगे या अगर जैसे ही चीज आई हम उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। ये चीज हम सब्सटेंस अवर फॉर्म में जानेंगे। अब आते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस चार होती हैं जो कि ये हैं। सबसे पहले है इसमें कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के मुताबिक जब भी हम कोई लॉस एंटिसिपेट करेंगे मतलब हमें पता चला किसी कस्टमर ने चीजें ली हुई थी पैसे वापस नहीं किए ये हमें लॉस हो सकता है उस लॉस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन जब तक हमारी इनकम हमारे हाथ में नहीं आएगी कमाई हमारे हाथ में नहीं आएगी हम कमाई को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अपनी बिजनेस की तमाम इन्फॉर्मेशन को अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जिसको हम ए बाय एस से लिख सकते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में शो करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी में हमने देखा ये मनी मेजरमेंट में हमने देखा कि हम अपने बिजनेस की मनी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हमें कन्वेंशन ये बता रही है कि हमने अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट के एंड पे जो नोट्स बनाते हैं उसमें हमने तमाम इन्फॉर्मेशन ऐसी जो मनी से रिलेट नहीं भी करती और जरूरी है उसे डिस्क्लोज करना है उसे दिखाना है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम जिस भी कॉन्सेप्ट को एक दफा फॉलो करेंगे उसे हमने थ्रू आउट द ईयर्स बिजनेस की सारी लाइफ में फॉलो करते रहना है। अब आते हैं हम मटेरियलिटी पे। मटेरियलिटी कन्वेंशन हमें ये कहती है ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में और उस इन्फॉर्मेशन के मौजूद ना होने की वजह से और होने की वजह से इन्वेस्टर के डिसीजन पे फर्क आ सकता है ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन मटेरियल है और उसे हमने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में डालना है। कंपनीज के लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना जरूरी है लेकिन अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो की जाएं तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देखने वाले अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ सकेंगे। आज हमने सीखा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो असूल होते हैं जिनके तहत बिजनेस की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और ये असूल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक है हमारे इनमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हम इनकी सारी डिटेल्स अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे।